हेलो हेलो मेरे भाइयों, कैसे आप सभी लोग। मैं आ चुका हूँ एक और BGMI गेम प्ले वीडियो के साथ। अरे मैं सही बता रहा हूँ, जब से गेम बैन का चक्कर चल रहा है ना, तब से खेलने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि 100 बंदे भाई 100 अलग अलग बातें कर रहे हैं BGMI बैन के ऊपर। भाई कोई बोल रहा है 2 दिन बाद अनबैन होगा, कोई बोल रहा है 4 दिन बाद होगा, यहाँ तक तो सब कुछ चलता है। लेकिन कोई बोल रहा है क्राफ्टन इंडिया में साइबर अटैक करने के लिए BGMI को बनाया है। भाई मतलब क्या चल रहा है इस धरती पे। खैर आते अपनी गेम की तरफ, मैं आता हूँ यासनाया में। आते ही मुझे UMP मिलते है, उतने में सामने वाले बिल्डिंग में एक बंदा आता है। मैं लूट ही रहा होता, उतने में पीछे से मारता है मुझे। हेल्थ लगा के मैं बंदे को डैमेज देता हूँ। लेकिन ये बंदा तो नीचे भाग लेता है। मैं भी फिर सीधा रश करता हूँ उस बंदे पे। लेकिन जैसे ही मैं इस बिल्डिंग में आता हूँ, देखता हूँ नीचे 2 बंदे थे। देखना इन दोनों को कैसे मारूंगा। इन दोनों लड़कों को नॉक करता हूँ। और मैं कह रहा था कि क्राफ्टन भाई साइबर अटैक कैसे करेगा भाई। अगर इतना गलत सीन ही होता तो भाई भारत सरकार गेम को लॉन्च ही नहीं होने देता। और कुछ लोग तो इतना फेक न्यूज फैला रहे, साइबर अटैक ये अटैक, भाई सुन सुन के गेम खेलने का मन ही नहीं कर रहा। ये बंदे ऐसा गलत सीन वाले न्यूज क्यों फैला रहे पता नहीं। बस आप लोग इतना दिक्कत मत लो, चिल मारो और गेम खेलते रहो, क्योंकि सर्वर्स तो अभी तक चालू है ना। मेरे सूत्रों के हिसाब से गेम अनबैन हो ही जाएगा। मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, गेम को जब अनबैन होना होगा हो जाएगा वो। बस आप लोग दिक्कत मत लो, चिल मारो। खैर आते अब अपनी गेम की तरफ। मैंने ऊपर 2 बंदे नॉक किए थे, उनका सूटकेस बनाता हूँ। फिर मैं आता हूँ इस वाले घर पे, क्योंकि यासना के मेन बिल्डिंग में बंदे होते है। मैं इस खिड़की से मेन बिल्डिंग में देख ही रहा होता, उतने में पीछे से ये लड़का फायर करता है मेरे पे। फिर मैं यहाँ पर बैंडेज लगाता हूँ, फिर मारते बंदे को। नॉक करता हूँ उसे और सीधा रश करता हूँ। अब देखना ये बंदा इन सीढ़ियों पे TP भी लेता है। सूटकेस बनाता हूँ इसका और ऊपर की तरफ आता हूँ, उतने में एक बॉट आता है। और भाई गलत सीन होते होते रह गया। खैर मैं नीचे आता हूँ, उतने में ओपन में मुझे एक बंदा दिखता है। इसे पूरा खत्म करता हूँ, हेल्थ लगाता हूँ, उतने में सामने मुझे एक नॉक बंदा दिखता है। बनाता हूँ इसका भी सूटकेस, चुराता हूँ किल। फिर मैं यहाँ से जोन निकलने की कोशिश कर रहा था, उतने में देखता हूँ सामने स्मोक हुआ है। बंदा भी मुझे TP पे लेते हुए दिख जाता है। इसे नॉक करके मैं वापस बिल्डिंग में आता हूँ, क्योंकि ओपन में और बंदे थे। उतने में मुझे एक बंदा बग्गी के पास जाते हुए दिखता है। ये भाई तो बग्गी लेके भागने के फिराक में थे, नॉक करता हूँ इन्हें। पूरा सूटकेस बना था, उतने में 2 बंदे रश करते मेरे पे। देखना इन्हें कैसे मारूंगा। इन दोनों का भी सूटकेस बना के जोन में निकल ही रहा होता, उतने में सामने एक और बंदा होता है।
रास्ता पे मैं थोड़ा नेट वगैरह करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, तो घुस के ही मारते बंदे को। इसे नॉक करते उतने में एक बॉट आता है। बॉट को मारी रहा तो उतने में सामने दो बंदे होते हैं। इन बंदों को डैमेज तो देता हूँ लेकिन नॉक नहीं होता कोई। फिर देखता हूँ बंदे यहाँ से निकल चुके हैं, मैं भी निकलता हूँ जोन की तरफ। फिर मैं बग्गी लेके सीधा जाता हूँ पोचिंग की रिकॉल पर, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। देखना बंदे किधर हो गए, बंदे होते हैं नीचे वाले घरों में। फिर यहाँ पर आके मैं किल चुराता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि आसपास बहुत सारे बंदे थे, कहीं मेरा ना सूटकेस बन जाए। बग्गी में इन घरों पे आके रोकता हूँ, उतने में मुझे सामने एक सांप का बच्चा दिखता है। मैं उसे मार ही रहा था उतने में रिकॉल होके एक बंदा आता है। नॉक करता हूँ इसे, उतने में इसका टीममेट बग्गी लेके भाग रहा था यहाँ से। बग्गी तो मैं इसका फोड़ देता हूँ, उतने में बंदा सामने दिखता है मुझे भागते हुए। यहाँ पर मैं उस बंदे को हेड मारता हूँ और दोबारा पीक ही नहीं करता, तो मैं निकलता हूँ सीधा जोन में। जाते जाते मैं एक बार घटका के शॉप में रुक जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास 5 का एमो नहीं था। एमो लेके मैं सीधा आता हूँ सामने वाले ड्रॉप पे। ड्रॉप पे रुक के मैं हील करता हूँ, उतने में सामने से एक बाइक आती है। और इस वाले घर में एक बंदा होता है, देखते हैं इसे कैसे मारूंगा। इसका पूरा सूटकेस बना था, उतने में सामने वाले घर पे दो बंदे होते हैं। और अब देखना मेरे साथ गलत सीन होने वाला है। यहाँ पर मुझे लगा कि दो ही बंदे होंगे, जाके इनको मार दूंगा, लेकिन भाई पीछे एक कैंपर भी बैठा था, और वो बंदा तो एक नंबर का कैंपर था। मैं अपना डेथ रिप्ले भी देखा, उसमें वो बंदा एक घंटे से उन लकड़ियों के पीछे ही बैठा था। खैर मेरे भाई लोग, आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आप लोग चिल मारो भाई लोग, क्योंकि BGMI अनबैन हो ही जाएगा। चलो फिर, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तू आके देख ले ओ मैंने।